हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। सो आज हम विजिट कर रहे हैं द नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया इन कुआलालंपुर। दिस मॉस्क इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी ऑफ कुआलालंपुर। ये मस्जिद 1963 में बिल्ट हुई थी और इसकी इनॉग्रेशन 1965 में हुई थी। टोटल एरिया ऑफ द मॉस्क इज 13 acres, बट द मस्जिद जो है जो बिल्ट हुई हुई है वो 3 acres में बिल्ट हुई है और द अदर एरियाज आर जस्ट इज पार्ट ऑफ हिज द मस्जिद। This tower is 235 feet tall from the ground level. There are total 7 entrances of the mosque and their facilities for non-Muslim tourists are also provided, such as the covered cloth and all that. As you enter in the mosque, there's a tourist guide map and the masjid whole floor map is available for your guidance. The design of the mosque has been done by 3 architects, but the main designer, Burhanuddin Abul Qasim, he studied the mosques in India, Pakistan, Iran, Turkey, Saudi Arabia, Spain, and Arab Emirates. The design is the mixture of modern and Ottoman Turkish architecture. ये मस्जिद का मेन हॉल है। सो इसमें एक वक्त में 3000 लोग एक वक्त में नमाज पढ़ सकते हैं और मेन हॉल के साथ गैलरीज में तकरीबन 5000 पीपल सेम टाइम में नमाज पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं। मस्जिद का रूफ 84 फीट हाई है और इसका डायमीटर 200 फीट है और ये टोटल 16 पिलर्स के साथ सपोर्टेड है। There is also some reading material is available that is free of cost. If you're interested, you can take any book and you can read. There is also some stall is available for you to, you can buy snacks, water, and some of the paid books you can also find from here. मस्जिद के एक साइड पे एक छोटी सी गैलरी बनाई गई है जिसमें मस्जिद के हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। इसमें तमाम उन लोगों की और उन शख्सियात के बारे में बताया गया है जिन्होंने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, इसके डिज़ाइनर्स, इसके आर्किटेक्चर, इसके कंस्ट्रक्टर इंजीनियर्स और बहुत से स्टेप्स को यहाँ पर डिफ़ाइन किया गया है जो कि यहाँ मस्जिद की हिस्ट्री के साथ रहे हैं और जो बहुत सी अहम शख्सियात जो यहाँ पर आए और उन्होंने विज़िट किया तो उनकी तस्वीर भी यहाँ पर लगी हुई हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर मस्जिद का जो पहला मेम्बर था वो भी रखा गया है और इसकी हिस्ट्री के साथ जो इसके पहले आर्किटेक्चरल डिज़ाइन थे या इसके मैप्स थे या इसकी जो इनिशियल पिक्चर्स थी वो भी रखे गए हैं। साथ साथ उसका बिग मॉडल भी रखे गए हैं, जो मॉडर्न मॉडल अभी जो रखे हुए हैं वो भी मस्जिद की करंट इमेज को दिखा रहे हैं। मस्जिद के नीचे से एक अंडरग्राउंड पैसेज जा रहा है जो कि कनेक्ट कर रहा है नेशनल मॉस्क को एक रेलवे स्टेशन के साथ, जो रेलवे स्टेशन है जलन सुल्तान हिशमुद्दीन। सो इफ़ यू आर यूजिंग द लोकल ट्रेन सो यू कैन कम ऑन दिस स्टेशन एंड यू कैन कनेक्ट विद द मस्जिद एंड विजिट इट। यहाँ पर अपने हम टूर को वाइंड अप करते हैं और चलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है हमारा इस्लामिक आर्ट गैलरी जो मस्जिद के बिल्कुल पास ही है।
सो लेट्स गो टू इस्लामिक आर्ट गैलरी। ये इस्लामिक आर्ट गैलरी की लोअर एंट्रेंस है जहाँ से मैं एंटर हो रहा हूँ अभी। सो इधर इसकी एक ग्राउंड लेवल एंट्रेंस है, एक इसकी लोअर लेवल एंट्रेंस है जो L1 पे है। दिस इज़ द लार्जेस्ट म्यूजियम एंड इस्लामिक आर्ट गैलरी इन साउथ ईस्ट एशिया। इसको 12 दिसंबर 1998 में ओपन किया गया और ये मलेशिया के कैपिटल सिटी कुआलालंपुर में है। और इस आर्ट गैलरी में मोर देन 7,000 आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द इस्लामिक वर्ल्ड लाकर यहाँ पर रखे गए हैं। म्यूज़ियम के अंदर नहायत ही फैंसी और ख़ूबसूरत एक कैफ़े है, यहाँ पर आप कॉफ़ी ले सकते हैं, अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं बिफोर यू गो इनटू द म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के टोटल दो लेवल हैं और इन दो लेवल्स में टोटल 12 गैलरीज जो कि आर्ट्स में हैं, जिसमें फर्स्ट लेवल पे आपका कुरान और उसके मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं और उसके साथ इंडियन, चाइनीज़ एंड लोकल मले इस्लामिक कल्चर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट लेवल पे आपको स्टार्ट में बताया जाता है कि पहले कुरान मजीद को कैसे सिक्योर किया जाता था, उसको कैसे रखा जाता था, उसको कैसे रिटन फॉर्म में रखा जाता था और उसके सिक्योरिटी के और उसको प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके थे। सो फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड उसमें सब पूरा एक्सप्लेन किया गया है। और यहाँ पर कुरान के बहुत से जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा सदियों पुराने हैं, तो वो भी यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। क्रॉनिक गैलरी के साथ ही आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर गैलरी मिलती है, जिसमें दुनिया की तमाम बड़ी मसाजिद इस्लामिक आर्किटेक्चर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द हिस्ट्री टू द मॉडर्न स्टाइल एंड द हिस्टोरिकल स्टाइल फ्रॉम द सेंचुरीज अगो के बारे में डिफ़ाइन किया गया है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्रीज, डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट कैसे अपने एरियाज़ में मस्जिद को कंस्ट्रक्ट करते थे और उनके मॉडल्स भी यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। इन मॉडल्स के साथ यहाँ पर हिस्ट्री भी डिफाइन की गई है, लिखी गई है, जो कि एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आप ये मॉडल देखते हैं देन यू रीड द हिस्ट्री, तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट एंड क्रिएटिव पॉइंट है। इन कंट्रीज़ में जिनके मॉडल्स हैं डिफाइन किए गए हैं स्पेन, मोरक्को, फलस्तीन, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, अरब के बहुत से ममालिक और बहुत से अफ्रीकन कंट्रीज़ के मस्जिदों के मॉडल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। उसके साथ साथ उनकी हिस्ट्री के बारे में और बहुत सी इंफॉर्मेशन लिखी गई है, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग पॉइंट है। म्यूज़ियम के सेकंड लेवल पे
इसमें आर्मी आर्मर टेक्सटाइल ज्वेलरी कॉइन्स एंड द रिमेनिंग ऑफ द एम्परर्स और रिमेनिंग ऑफ द किंग्स ऑफ मुस्लिम किंग्स जो रखा गया यहाँ पर कहे गए हैं और एक्सप्लेन किए गए हैं और वो कहाँ से रहा करते थे उनके क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे उनके आर्मर्स उनकी चीज़ें फ्रॉम द हिस्ट्री टिल द मॉडर्न सो उन्होंने यहाँ पर डिफाइन की गई हैं इसको यहाँ प्रिजर्व किया गया है जो कि बहुत ही शानदार है। इस म्यूज़ियम में इस्लामिक क्वींस की ज्वेलरी के साथ साथ मेटल वर्क वुड वर्क और सिरामिक वर्क्स भी दिखाया गया है डिस्प्ले किया गया है जो कि पुराने स्टाइल में और पुराने ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था और हाउ दे प्रिजर्व द थिंग्स और डिस्प्ले किया। ये म्यूज़ियम कुछ अवार्ड भी विन कर चुका है जिसमें प्लैटिनम अवार्ड्स फॉर टूरिज्म है जिसमें बहुत अट्रैक्शन मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस एंड हेरिटेज कैटेगरी में है और टॉप 10 ट्रैवल चॉइस ऑफ द पीपल हु वांट टू ट्रैवल टू कुआलालंपुर दिस इज़ द टॉप 10 चॉइस टू विजिट दैम। सो इसी तरह इसने बहुत से और से अवार्ड्स भी विन किए हुए हैं और दिस इज़ फुल ऑफ हेरिटेज हिस्ट्री एंड द कल्चर। इस्लामिक आर्ट गैलरी के इस ब्यूटीफुल व्यू के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ अपना कमेंट अपना ज़रूर कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त अंटिल नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, प्लीज़ शेयर द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।